ये है बाल्सामिक पहले बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हल्का सा विनेगर डाल के इसको थोड़ा सा निकाल लेंगे हम, क्योंकि हमको सिर्फ बाल्सामिक विनेगर बनाना है। इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है विनेगर, और अभी हल्का सा शुगर डालूंगा मैं इसमें, ब्राउन शुगर है ये अपनी नॉर्मल शुगर की तरह होती है, बस इसमें मतलब थोड़ा सा फर्क होता है, ऐसा लगता है गुड़ के पाउडर में चीनी को मिला दी गई हो, ये ऐसा हल्का इसका टेस्ट होता है। देखिए कैसा होता है, जूम करके देखा दीजिए दर्शकों को, फिर हम इसको ये डाल के मिक्स करेंगे इसको। देखिए थोड़ा सा और इसमें विनेगर डालेंगे, बाल्सामिक विनेगर, फिर इसको हल्का रंग आने तक इसको करेंगे मतलब हिलाएंगे, फिर इसको थोड़ा सा निकाल के रख देंगे। हो गया था यार? नहीं अभी नहीं। देखिए ये हो गया बाल्सामिक अनियन तैयार हो गया, अभी हमें बनाना है कैरेमलाइजर, थोड़ा सा निकाल लेंगे हम एक बार थोड़ा अच्छे से मिला के, फिर आधा निकाल लेंगे, ये हो गया है, अभी हम आधा निकाल लेंगे इसको दूसरी थाली में। ये हमारा हो गया तैयार बाल्सामिक अनियन, थोड़ा सा कम लग रहा है बादामिक अनियन है, इसी को हम बनाएंगे कैरेमलाइज, ये सेम प्रोसेस है, बस इसमें थोड़ा सा ब्राउन शुगर ज़्यादा डालना है। और हल्का सा ये विनेगर ताकि ये गीला हो जाए। एक बार बनने के बाद ये इसमें मतलब ऐसा टेस्ट होता है कि मुंह में डालते ही पूरे मुंह में टेस्ट इसका गूंजने लग जाता है, बहुत कमाल की चीज़ है, ट्राई करिए। अगर बाल्सामिक विनेगर भी नहीं भी मिलेगा तो कोई परवाह नहीं, अगर घर में आप बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल आप नॉर्मल सिंथेटिक विनेगर या ऐसा कोई विनेगर जिसमें कोई फ्रूटी टेस्ट हो उसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या करें, गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए बार बार मुंह पोछना पड़ रहा है मुझको। देखिए इसका कलर आप इस वक्त आप दे सकते हैं ये, और थोड़ा सा इससे कलर में ज्यादा है मतलब इसको थोड़ा और हल्का सा और ब्राउन रखना है। जिससे अभी आप यहाँ होते तो ऐसा लगता है कि अंगूर के बागान में आ गए हैं, क्योंकि ये अंगूर से बनता है, इसकी स्मेल एकदम अंगूरों जैसी आती है।
इसमें और कुछ जाएगा? नहीं नहीं बस यही है, बस इसको थोड़ा सा और डार्क करना है, बाकी उसके बाद तैयार हो जाएगा। हो गया है लगभग सारा प्रोसेस, बस ये और थोड़ा सा डार्क हो जाए फिर हमारा काम खत्म।